हजारीबाग पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हजारीबाग पुलिस की कल यानी 10 मार्च को बड़कागांव थाना क्षेत्र के गुड़कुआं पहाड़ी जंगल में हुए मुठभेड़ पर डीआईजी सुनील भास्कर और एसपी अरविंद कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि कुछ दिन पूर्व बड़कागांव के एक बालू यार्ड में हुई फायरिंग में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो टीसी से जुड़े हुए थे। उन्हीं के पूछताछ के बाद पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें कल पुलिस को देखकर गुड़कुआं पहाड़ी जंगल में डीसी नक्सली कमांडर दिवाकर गंजू रास्ते के द्वारा फायरिंग किया गया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तथा पुलिस को हावी होता देख टीसी के नक्सली वहां से भाग निकले। वहीं सर्च अभियान में भारी मात्रा में अवैध हथियार के साथ साथ उनके कैंप में उनके साथ कई सामान डायरी बरामद हुए, जिस पर जांच चल रही है। वहीं उन्होंने ये भी अपील की कि युवा मुख्य धारा में लौटे, ऐसे संगठन से न जुड़े तथा सरकार की चलाई जा रही बहुत सारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। प्रताप जी और दिवाकर गंजू एवं उनके क्रियावादी सदस्यों के द्वारा 5 मार्च 2024 को बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कोयलांग स्थित कर्माटाड़ में बालू यार्ड में फायरिंग करने की घटना घटित की गई थी। इस संबंध में बड़कागांव थाना कांड संख्या 60/24 दर्ज की गई। इस घटना को हजारीबाग पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया और पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठित किया एसडीपीओ और संबंधित थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और उस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड में शामिल तीन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक अर्जुन गंजू, विपिन लोहरा एवं सूरज भैया की गिरफ्तारी हुई। फिर उनसे पूछताछ के क्रम में जो तथ्य आए उसके आलोक में दिनांक 10 मार्च को स्वयं पुलिस अधीक्षक अरविंद सिंह द्वारा बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़कुआं पहाड़ जिला जंगल में छिपे हुए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध छापेमारी करने एवं सत्यापन हेतु गए। वहां पे पहुंचकर गठित टीम के द्वारा जब घेराबंदी की गई तो इसी दौरान पहाड़ के टीला से अचानक अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। तो उसके फिर जवाबी कार्रवाई फायरिंग की गई हजारीबाग पुलिस एसपी के द्वारा एसपी के नेतृत्व में, और इसी घटनाक्रम में टीपीसी उग्रवादी संगठन की ओर से लगभग 25 से 30 राउंड्स फायरिंग किए गए। पुलिस की ओर से भी रुक के नियंत्रित 20 चक्र फायरिंग की गई और पुलिस बल को फिर भारी पड़ता देख उग्रवादी जो है उस घटनास्थल को छोड़ के वहाँ से फिर फरार हो गए, और वहाँ पे जो टीएसपीसी का जो कैंप था वहाँ से उसको ध्वस्त किया गया और बड़े मात्रा में वहाँ से अवैध अग्नियास्त्रों की बरामदगी हुई, जिसमें 303 पुलिस राइफल 1 पीस, 303 राइफल का मैगजीन, 303 राइफल के मैगजीन से भरा हुआ जिंदा गोली 4 राइफल, 303 राइफल का फायर किया हुआ खोखा 1, 9 mm देसी पिस्टल 2, 9 mm देसी पिस्टल का मैगजीन 3, 9 mm देसी पिस्टल मैगजीन लोड जिंदा गोली 1, देसी पिस्टल का खोखा 1, 7.65 पिस्टल का मैगजीन 1, 7.65 का मैगजीन में लोड जिंदा गोली 6 पीस, मोटरसाइकिल चोरी के मोटरसाइकिल भी बरामद हुए 5, मोबाइल बरामद हुए, एलईडी टॉर्च हुआ, उनके पर्चे बरामद हुए हैं, तो पूरे जो डायरी हो गए, हाँ डायरी भी हुए हैं बरामद हुए हैं, तो पूरा जो उनका जो कैंप था उस टीएसपीसी का उसको ध्वस्त किया गया एसपी हजारीबाग के नेतृत्व में। और आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और पुलिस अपना कार्य करते रहेगी। इसी तरह से जो नक्सल अभियान है उसमें उग्रवादियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।